संक्रमण का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। चिकित्सकों का कहना है कि संक्रमितों के शरीर में ये वेश बदल कर जिंदा है। कोरोना वायरस ने जहां पुरुषों के शुक्राणुओं का डीएनए तोड़ दिया, वहीं ये महिलाओं में गर्भपात का बड़ा कारण भी बन रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण करीब 20% महिलाओं में गर्भपात के मामले बढ़ गए हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट एंडोस्कोपिस की बैठक में विशेषज्ञों ने रिसर्च के हवाले से इसका खुलासा किया। लखनऊ आए चिकित्सकों ने बताया कि पुरुषों में कोरोना का असर फेफड़ों और दूसरे अंगों समेत शुक्राणुओं पर भी पड़ा। केरल के डॉक्टर सुभाष मालिया ने बताया कि कोरोना के शुक्राणुओं पर पड़ने वाले असर पर ब्राजील और अमरीका में 2 शोध पूरे हो चुके हैं। डीएनए टूटने से गर्भावस्था शिशु में मानसिक विकृतियों की आशंका। शोध में यह भी पता लगाया जा रहा है कि डीएनए टूटने से गर्भस्थ शिशुओं में किस स्तर की मानसिक विकृतियां पैदा हो सकती हैं। शोध में सामने आया है कि पुरुषों में कोरोना संक्रमण के चलते शुक्राणुओं का डीएनए टूटने की वजह से भ्रूण का विकास नहीं हो पाता, जिससे गर्भपात के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक पिछले महीने की तुलना में गर्भपात के मामले बढ़े हैं। अब संक्रमितों के मामलों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। निगेटिव होने पर भी बना रहता है वायरस। मेरठ के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील जिंदल के अनुसार, यदि टूटे शुक्राणु के साथ महिला गर्भपात हो जाती है तो बच्चे में विकृतियां का डर बना रहता है और बच्चों में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की विकृतियां हो सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना निगेटिव होने के बाद भी वायरस हमारे शरीर में बना रहता है और कोरोना हमारे शरीर के अंदर रूप बदलता रहता है। समय समय पर लोगों में कहीं पेट, किडनी, फेफड़े और निमोनिया जैसी बीमारियों का कारण ये बनता है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।